सेमीकंडक्टर्स। मादी एशिया को इनकी इलेक्ट्रिकल खुसियात की बिना पर तीन ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। नंबर वन कंडक्टर, नंबर टू इंसुलेटर, नंबर थ्री सेमीकंडक्टर। नंबर वन कंडक्टर्स, ऐसे एशिया जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट आसानी में से गुजर सकता है कंडक्टर्स कहलाती हैं। आमतौर पर धातें अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। इंसानी जिस्म भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। इंसुलेटर्स, ऐसी अशिया जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता इंसुलेटर्स कहलाती हैं। शीशा, शीशे में से करंट नहीं गुजर सकता और प्लास्टिक वगैरह इसकी आम मिसालें हैं। सेमीकंडक्टर्स, ऐसी अशिया जिनमें जिनके खुसियात इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के दरमियान वाली नमूने सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जब हम सिलिका के इलेक्ट्रॉन्स के तराशे को देखें तो हमें पता चलता है कि इसके मीदारों में चार के बजाय आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह इस तरह हुआ कि चार तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि बाकी चार इसके दूसरे इसके इलेक्ट्रॉन्स ने बाहमी इश्तराक की वजह से अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। बाहमी इश्तराक से बनने वाले बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आमतौर पर सिलिका के क्रिस्टल्स इंसुलेटर का काम करते हैं लेकिन ये सिर्फ सिफर केल्विन टेम्परेचर पर होता है। आम दर्जा हरारत पर जब इलेक्ट्रॉन्स अपने मीदारों में गर्दिश कर रहे होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी हरकत बहुत ज़्यादा तेज कर देते हैं, मीदार को तोड़ कर आज़ाद हो जाते हैं और फिर ये जिस जगह से ये निकलते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए एक खाली जगह रह जाती है जिसे होल कहते हैं। फिर एक नया इलेक्ट्रॉन इस होल को पुर करने के लिए आता है तो वो भी एक खाली होल छोड़ देता है। हम जानते हैं कि होल्स भी इलेक्ट्रिसिटी गुजरने का मौजब बनते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने से एक पूरा चक्कर बन जाता है और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से गुजर सकती है।